गोरक्षनाथ जी तो परमात्मा है, स्वयं शंकर का अवतार है, कहाँ के क्या है वो तो है। शिव ने गोरक्ष रूप बनाया, पार्वती का भ्रम मिटाया, दिया योग का ज्ञान। शिव जी गोरक्षनाथ जी तो हर समय हर काल में पाए जाते हैं, किसी भी इतिहास को उठा के देख लो आप। आदि और अनादि श्री राम जी के जब कुंडल दिए थे, यानी गुरु ने जब उनको नाम दिया रघुनाथ, और एक गोरख डिब्बी, गोरखनाथ जी का पात्र यहाँ पर है, क्योंकि तो पानी खोलता रहता है लेकिन जलता नहीं है, लेकिन जैसे ये गोरखनाथ जी का धुना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे गोरखनाथ जी ने तपस्या किया था, तो आज भी उनके त्रिशूल वगैरह हैं। तो ये बोल रहा हूँ, ये गोरख डब्बी श्री गोरखनाथ जी का है। हाँ, गुरु गोरक्षनाथ जी की गोरख डिब्बी। तो गोरखनाथ जी कहाँ गए? गोरक्षनाथ जी तो परमात्मा है, स्वयं शंकर का अवतार है, कहाँ के क्या है वो तो है। शिव ने गोरक्ष रूप बनाया, पार्वती का भ्रम मिटाया, दिया योग का ज्ञान। शिव जी गुरु गोरक्षनाथ जी तो हर समय हर काल में पाए जाते हैं, किसी भी इतिहास को उठा के देख लो आप। आदि और अनादि श्री राम जी के जब कुंडल दिए थे, यानी गुरु बने जब उनको नाम दिया रघुनाथ श्री राम जी को, श्री कृष्ण जी को यानी जगन्नाथ नाम दिया तब जब उनको कुंडल डाले थे, श्री कृष्ण जी के भी गुरु बने थे गुरु गोरक्षनाथ जी। हर समय में हर उसमें पाए जाते हैं, तो ये माता के भक्त भी थे। गुरु गोरक्षनाथ जी की कोई डेट जन्म की नहीं बता सकता, क्योंकि वो जन्मे नहीं है, अजन्मे है। तो आपने सुना पंडित जी से, और अपने बाबा गोरक्षनाथ जी बहुत ही सुंदर प्रतिमा, इधर आ जाओ, दो तीन लाइन इससे पहले जाओ, एक लाइन बना दे मथा की गाड़ी है, जिन्हें दर्शन करना है बार बार दर्शन नहीं होता, देख लो यहाँ नीचे ओम की तरफ देखना है। सब जन नीचे देखते रहिए, मोबाइल बंद रखिए अपना अपना। बोल साचे दरबार की जय, बोल ज्वाला महामाई की जय। चलिए ऊपर, अब ऊपर जाके बिंदास मंगल और अपना अपना प्रसाद लेके जाए। दर्शन के बाद सभी गोरक्षनाथ जी के धोने की भगवती का टीका लगाएंगे और अपनी यात्रा सफल करेंगे, पूजा चढ़ाएंगे श्रीमान जी का नीति के। हाँ जी, आपका शुभ नाम श्रीमान जी? राहुल जी। कहाँ से आए श्रीमान जी? सारा बार आगे बढ़ाए, जय माता जी। घर परिवार में पुरुष को क्या है, छोटे बच्चे जिसमें श्रीमान जी माता जी का खजाना है, खजाने को तो लाल कपड़े में बांध के गले में रख लेना और भगवती का टीका लगाना। आपका राहुल जी।
राहुल जी माता जी के लंगर भंडार में कहाँ से आ रहे हो? लुधियाना में। लुधियाना जय माता जी के लंगर भंडार में 50 रुपए की अवतार पूजा भेज देते हैं। माता रानी की सदा रक्षा करे, घर परिवार में सुख शांति दे, आंचल में जय वर्ष करे। इसमें श्रीमान जी माता जी का खजाना है, खजाने को लाल कपड़े में बांध के गले में रख लेना और भगवती का टीका लगाना है। आपका महवे बना रहेगा, आपकी कृपा बनी रहेगी माता रानी की। जय माता रानी। यह भोलेनाथ की जिंदगी जी गुरु जी, गोरख डिब्बी जो है इसके बारे में थोड़ा बताएंगे आप हमें या हमारे दर्शकों को? आप बताइए कि जो पानी से माता जी प्रकट होती हैं उनके बारे में थोड़ा बताएंगे आप? ये माता रानी का रखा हुआ यहाँ पर खिचड़ी का हांडी का पात्र है जो गोरख भगवान के लिए माता रानी ने पात्र रखा था। माता की शक्ति से यहाँ जल उबलता रहता है। गोरखनाथ जी की योग माया देवी की आवाज़ कर रहता है। या क्या चीज है जी? या तो फिर मनी दे जाओ भाई। माता की शक्ति से जल उबलता रहता है। गुरु गोरक्षनाथ जी की योग माया व विभूति डालने के कारण जल ठंडा शीतल और पवित्र रहता है। जल के ऊपर 24 घंटे अखंड ज्योति जलती रहती हैं। दो सामने दीवार पर माता का मुख है, माता के मुख में जल है। जल से माई आती है बापा जी की धूप दिखाए से और वापसी जल में ही लुप्त हो जाती है। जय माता। माता रानी ने गोरक्ष भगवान के लिए तो जो जो यहाँ पर शिवलिंग स्थापित है इसके बारे में आप बताएंगे? ये जी लटारिया महादेव है, माता जी की रक्षा में रहते हैं। माता जी की शरण में रहते, मतलब माता जी की रक्षा में रहते हैं महादेव। ये कब से स्थापित है? अकबर के टाइम से बहुत पहले जब भगवान का ठीक है। गुरु जी समय देने के लिए धन्यवाद। तो हम लोग मंदिर सभी बाहर निकल गए हैं और यह देखिए हम आपको दिखाते हैं, यह वह तालाब है जो अकबर ने ज्योति बुझाने के लिए यह नहर चालू किया था, लेकिन फिर भी ज्योति नहीं बुझी माता की। आज भी यहाँ से पानी हमेशा निरंतर गिरता रहता है और ये पानी कहाँ से आता है पता नहीं, लेकिन आज भी यह नहर है।